लखनऊ में खौफनाक मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवती की लाश जो सरेआम फेंकी गई, युवती के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो बता रहे हैं कि इस वारदात को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया है, लेकिन युवती को पहचानने वाला कोई नहीं। पुलिस के लिए वारदात किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जिस लड़की की लाश मिली है वो कौन थी, पुलिस के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ में खौफनाक मर्डर। राजधानी का ये वही इलाका है जहां से मिली एक सूचना के बाद पुलिस दौड़ पड़ी थी, और जब मौके वारदात पर पहुंची तो मच गया हड़कंप। हाईवे के किनारे हत्या से सनसनी। लोकल इंफॉर्मेशन में पहुंची थी पुलिस, उसमें एक महिला की बॉडी मिली है। लखनऊ के सबसे व्यस्ततम हाईवे के किनारे भीड़ जुटी हुई थी, और जब झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो दिया गया था एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम। झाड़ियों में मिली लड़की की लाश। हाईवे से करीब 200 मीटर अंदर झाड़ियों के बीचों बीच एक लड़की की लाश मिली, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल, वो कौन थी? अभी इन डेड बॉडी किसकी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। किसने ली बेरहमी से युवती की जान? ये उसके शरीर के हाथ जहाँ पे है, और शरीर के एक दो और जगह पे कुछ शार्प ओपन की इंजुरीज है। लखनऊ के थाना सरोजिनी नगर के पेपरसन रोड पर ये वही जगह है जहाँ एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि मौके वारदात पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसको बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। सड़क से 200 मीटर अंदर झाड़ियों में गांव वालों की नजर एक लाश पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस को जानकारी दी, मौके पर पहुंची पुलिस और पूरे क्राइम एरिया को घेर लिया। डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। ये थाना सरोजिनी नगर का मामला है, पेपरसन एरिया पड़ता है। वहाँ पे आज सुबह सूचना के अनुसार पुलिस पहुंची, तो वहाँ पे लोकल इंफॉर्मेशन में पहुंची थी पुलिस, उसमें एक महिला की बॉडी मिली है जो जीन्स और टी शर्ट में है, गले में दुपट्टा है। अभी इन डेड बॉडी किसकी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इनके हाथ में कुछ चोटें हैं, जो लग रहा है कोई तेज किस्म से हथियार से इनके हाथ या कहीं पे और भी चोट आए हुए हैं। डिटेल्स रिपोर्ट के मृत्यु का कारण क्या है वगैरह तो फॉरेंसिक से ही पता चल पाएगा, अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल पाएगा। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड आके अपनी पूरी छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक युवती को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। जीन्स और टी शर्ट पहनी युवती के गले में दुपट्टा मिला है, साथ ही खून से लथपथ मिला है युवती का शव। शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान है, तो वहीं कुछ ही दूरी पर जूते और कई सामान बरामद हुए हैं। क्या किस तरीके से डेथ हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शनाख्त हो पाएगा। हम जो खुले आंखों से निकल आए से जो देख पा रहे हो इतना ही है, और दोनों हाथ के साइड में कुछ चोटें हैं जिसके हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा रहे हैं फॉरेंसिक के हेल्प से, उनके एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी फिर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवती यहाँ कैसे पहुंची, उसको आते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा। मौके वारदात पर जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, साथ ही कि आखिर ये युवती कौन है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है, और पुलिस को इंतजार है तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। वो जो महिला है अभी फॉरेंसिक टीम आकर जहाँ तक निकट आई से हमने देखे हैं, अपने खुले आई से देख आँखों से देखे हैं, उसे ही लग रहा है कि उसके शरीर के हाथ जहाँ पे है और शरीर के एक दो और जगह पे कुछ शार्प ओपन की इंजुरीज है वो, लेकिन क्या एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। राजधानी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है, जहाँ बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और हत्यारे आराम से फरार हो गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। और अब पुलिस को तलाश है उन हत्यारों की जिन्होंने इस वारदात को बड़े ही आराम से अंजाम दिया और फरार हो गए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शहनवाज की रिपोर्ट।
फरुखाबाद में पुलिस को एक युवक की तलाश थी जो पिछले कई दिनों से गायब था। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती कि तभी पुलिस को मिली सूचना कि गंगा के किनारे पड़ा हुआ कंकाल, और जब पुलिस ने कंकाल कांड को परत खंगाला तो हुआ एक सनसनीखेज खुलासा, जिसमें इश्क करने की सजा जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए हॉरर किलिंग का कंकाल कांड। कंकाल मिलने से मच गया हड़कंप। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। तो हुआ सनसनीखेज खुलासा, हॉरर किलिंग का कंकाल कांड। फरुखाबाद के थाना कमालगंज इलाके में गंगा के किनारे कुछ लोगों की नजर जैसे ही जमीन पर पड़ी तो हड़कंप मच गया कि वहां कंकाल पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी फौरन ही पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश, जिसमें हुआ सनसनीखेज खुलासा। पुलिस लगातार कंकाल मिलने की इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तलाश थी पुलिस को एक युवक की जो कई दिनों से गायब था। और जब पुलिस ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखा तो हुआ खुलासा हॉरर किलिंग के कंकाल कांड का। दरअसल फरुखाबाद के गुरसाईगंज इलाके के रहने वाले प्रीतम सिंह को पड़ोस के गांव की रहने वाली एक युवती से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करनी चाही तो परिवार वालों ने विरोध किया, तो प्रीतम अपनी प्रेमिका के साथ दिल्ली चला गया और वहां शादी कर दी और 3 महीने तक दोनों साथ रहे। प्रीतम 3 महीने तक दिल्ली में रहा। प्रीतम और रानी ने कर ली शादी। रानी के घर वालों ने वापस बुलाया। 30 मई को दिल्ली से वापस लौटा था प्रीतम, और इस दौरान प्रीतम रानी के घर वालों से मिलने गया हुआ था। हमारे साले की प्रीतम की डेड बॉडी 30 तारीख से गायब है, और यहाँ 30 तारीख को शाम 6 बजे जंदारी नगला आया था, और इसमें शामिल थे उदयवीर, रानू, अनुज और ललित, ये 4 लोग थे। 4 लोगों ने फोन करके बुलाया, वो यहाँ आया था। इन लोगों ने पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई। इसके बाद से लगातार प्रीतम गायब चल रहा था, जिसकी शिकायत प्रीतम के घर वालों ने पुलिस से की थी। पुलिस लगातार प्रीतम की खोजबीन कर रही थी। उसी दौरान प्रीतम के घर वालों ने रानी के भाई और उसके दोस्तों पर प्रीतम की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को पहले तलाश थी प्रीतम की। लेकिन इसी बीच पुलिस को मिली सूचना, प्रीतम की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस। तभी गंगा किनारे कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को मिली। गंगा किनारे कंकाल बिखरा मिला। प्रीतम के घर वालों से जब शिनाख्त कराई गई तो परिवार वालों ने प्रीतम के तौर पर ही इसकी पहचान की, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। क्या कहें, प्रीतम सिंह की हत्या क्यों और किसने की? बिंदर सिंह ग्राम हंस पुरवा थाना गुरसाहेगंज जनपद कन्नौज के द्वारा थाना कमालगंज में अवगत कराया गया कि उनका पुत्र प्रीतम मिल नहीं रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच उन्होंने आकर के अवगत कराया कि उनके पुत्र की लाश थाना कमालगंज के अंतर्गत चाचूर में गंगा नदी में पड़ी हुई है। प्रभारी निरीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और उनके लड़के की उनके परिजनों के द्वारा जांच करके अवगत कराया गया कि मेरा ही पुत्र है, जिसको तत्काल पंचायत थमा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश लगातार चल रही है। वहीं प्रीतम के परिवार वालों का आरोप रानी के भाई उदयवीर और उसके दोस्तों पर है कि उनसे मिलने के लिए प्रीतम घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। लगातार पुलिस की तफ्तीश जारी है और पुलिस की रडार पर हैं वो नाम और चेहरे जिन पर लगातार प्रीतम के घर वाले उंगली उठा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए फरुखाबाद से दिनेश की रिपोर्ट। सहारनपुर में नशेबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां नशे में धुत होकर करने लगा दबंगई, और जब लोगों ने विरोध किया तो देने लगा धमकी, जिसके बाद उस नशेबाज युवक को पुलिस लोगों ने सबक सिखाया। रस्सियों से बांधकर युवक की जमकर हुई पिटाई और पुलिस बस मूक दर्शक बनकर देखती रही। देखिए नशे के सौदागर का हिसाब बराबर। रात के अंधेरे में हो रहा हंगामा, रात का अंधेरा और पुलिस की मौजूदगी, और उसी मौजूदगी में होता रहा हंगामा। लोगों का गुस्सा एक युवक पर फूट रहा था
और फिर पुलिस के सामने ही होती रही मारपीट को रस्सियों से बांध कर घसीटा। इस युवक पर मानो लोगों का इतना गुस्सा था कि युवक को रस्सियों से बांध दिया और इस दौरान वो युवक लगातार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ ने उसे रस्सियों से बांध कर घसीटना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई, तो वह युवक ने लोगों का विरोध करना शुरू किया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद युवक को लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। यही नहीं, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस के सामने ही युवक को जमकर पीटा, थप्पड़ों की बरसात पुलिस के सामने ही युवक पर कर दी। इस दौरान वो युवक लगातार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, तो वही भीड़ में से कुछ लोगों ने उसको लात घूंसों से पीटना भी शुरू कर दिया और ये सब पुलिस वालों के सामने होता रहा। वहीं पुलिस का कहना कि सूचना मिली थी कि नशे का कारोबार होता है, जिसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ में पता चला है कि युवक नशे का कारोबार नहीं बल्कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल करता है। कमरे से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रात का एक मामला थाना सदर बाजार के जे पुरम कॉलोनी का है। एक कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक लड़का है जो यहाँ पे अफीम चरस का धंधा करता है, लोगों को बेचता है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे गई तो उस लड़के को उन्होंने पकड़ लिया। बाद में छानबीन पे मालूम हुआ कि वो लड़का अपने किसी दोस्त के आया था और उसका दोस्त और वो दोनों ही चरस का नशा करते हैं। उसको थाने लाया गया, पूरी छानबीन में पाया गया कि अफीम और चरस बेचने वाली बात नहीं थी बल्कि नशा करने वाली बात थी दोनों दोस्तों की, और उसमें जो है विधिक कार्रवाई फिर थाना पुलिस द्वारा की गई। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से पुलिस के सामने ही कानून की नुमाइश बना दी गई, जिस तरह से पुलिस वालों के सामने युवक को रस्सियों से बांध कर घसीटा जाता रहा, जिस तरह से भीड़ उस पर टूट पड़ी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पुलिस वालों के सामने भीड़ तंत्र का न्याय कितना वाजिब है और क्यों पुलिस इस मामले पर मूक दर्शक बनी रही। एबीपी गंगा की सहारनपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बरेली में एक हफ्ते में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। उस वक्त भी कानून व्यवस्था को चंद शोहदों ने चुनौती दी थी और एक बार फिर से पुलिस पर उठे हैं सवाल, क्योंकि एक मासूम को बनाया गया है निशाना। पहले उसका अपहरण किया और फिर मासूम की खेत में पड़ी मिली लाश। देखिए बरेली में दहशत में बीती। गायब हो गई मासूम छात्रा, खेत में मिला मासूम का शव। शव मिलने से मच गया हड़कंप। बरेली में देर शाम एक मासूम गायब हो गई, जिसे घर वालों ने हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद परिवार वालों ने मासूम के गायब होने की जानकारी पुलिस वालों को दी। पुलिस भी लगातार मासूम की तलाश में जुटी हुई थी। खेत में मिली मासूम की लाश, लगातार परिवार वालों के साथ साथ पुलिस भी मासूम की तलाश कर रही थी, लेकिन तभी सूचना मिली कि पास के ये खेत में एक मासूम का शव पड़ा हुआ है। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों को बुलाया। अपनी बच्ची की खून से लथपथ लाश देखकर परिवार वालों में कोहराम मच गया। बच्ची की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। परिवार वालों ने बताया कि बच्ची सुबह खेत पर गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। उसके गायब होने की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन इसी बीच खेत में उसका खून से लथपथ शव बरामद हुआ। जो कि चकदाह से गांव से खेत की तरफ गई थी अपनी खेत को देखने के लिए, लकड़ी वकड़ी देखने के लिए। वहां पर उसने कुछ देर देखा लकड़ी देखने के बाद, फिर वो बारिश होने लगी। बारिश के उपरांत लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई। फिर उसके बाद में घर वालों ने देखा, लौट के बच्ची अभी तक वापस नहीं आई। 8 बजे निकली, 9 बज गया, लड़की घर वापस नहीं आई। माँ ने उसकी, मेरी बहन अनीता देवी, उसने गांव से एक मोटरसाइकिल ली, पड़ोस में एक भैया को पकड़ा, फिर उनसे देखने के लिए गए। वहां लड़की का कोई भी पता नहीं था। उसके बाद फिर गांव वालों को पता लग गया, घर आए, गांव से सारी भीड़ गई, उन लोगों ने वहां देखा, लड़की का कोई भी पता नहीं लगा। जिस हालत में बच्ची मिली है उसमें उसके साथ कुछ गलत होने का आरोप भी परिवार वाले लगा रहे हैं, तो वही पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही तलाश की जा रही है उस शख्स जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। थाना शाही के अंतर्गत एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से प्रातः काल निकली थी।
और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। तो इसके बाद घर वालों के द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और शाम को उसका जो शव है वो घर से 800-900 मीटर की दूरी पर मिला है और उसके सर पर पीछे से चोट लगी है जो एक नुकीले किसी धारदार हथियार से लगना प्रतीत हो रहा है। पुलिस के द्वारा मौके पर फील्ड यूनिट और अन्य टीमों को लगाया गया है और जो मृतका है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और सभी कारणों की इसमें तहकीकात की जा रही है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है और जल्दी इसमें जो अभियुक्त है जिसने हत्या की उसको गिरफ्तार। मासूम के साथ हुई इस वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। तो वही पुलिस को तलाश है उस हत्यारी की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये हालात तब है जब अभी एक हफ्ते पहले बरेली में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर से इस तरह की हुई वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप की रिपोर्ट।